हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी टार फाइल या टार अर्चिव से को सिंगल फाइल या डायरेक्टरी कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि किसी टार फाइल में जो फाइल्स और डायरेक्टरीज अवेलेबल है उनमें से केवल आपको कोई सिंगल फाइल या किसी सिंगल डायरेक्टरी की ही आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में आपको उस टार फाइल का सारा कंटेंट एक्सट्रैक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल उस टार अर्चिव से उस सिंगल फाइल या डायरेक्टरी को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं ये इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस टास्क को आप दो तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा टार हाइफन xvf ऑप्शन, और उसके बाद उस टार अर्चिव का नेम आपको लिखना है जिससे आप वो फाइल या डायरेक्टरी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद उस फाइल और डायरेक्टरी का नेम आपको लिखना है जो आप उस टार अर्चिव से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सेकंड मेथड में आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा टार डबल हाइफन एक्सट्रैक्ट स्पेस डबल हाइफन फाइल इक्वल टू उस टार अर्चिव का नेम आपको लिखना है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद में उस फाइल नेम या उस डायरेक्टरी का नेम आपको लिखना है जो आप उस टार अर्चिव से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने स्लैश माय सॉल्यूशंस के अंदर एक डायरेक्टरी है वाई, और उसके अंदर एक टार फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले उस डायरेक्टरी में मूव करते हैं। अब इसका कंटेंट चेक करते हैं। तो इसमें एक टार फाइल क्रिएटेड है प्री डॉट टार। तो सबसे पहले इस टार फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं टार हाइफन pvf ऑप्शन, और उसके बाद में उस टार फाइल का नेम आपको लिखना है। अब ये इस फाइल का कंटेंट है। अब मैं फाइल फॉर डॉट txt फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, यानी पूरी टार फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट ना करके केवल इस टार फाइल से मैं केवल इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए कमांड होगा टार हाइफन xvf ऑप्शन, और उसके बाद में उस टार फाइल का नेम आपको लिखना है जिससे आप ये फाइल या डायरेक्टरी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद में उस फाइल और डायरेक्टरी का नेम आपको लिखना है जो आप उस टार अर्चिव से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर मैं फाइल फोर डॉट txt फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो इसका जो पाथ है ये पूरा पाथ आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे डॉट स्लैश फाइल फोर डॉट txt, ये पूरा पाथ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में एंटर की प्रेस कीजिए। तो देखिए यहां पर फाइल फोर डॉट txt एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ls-l कमांड एग्जीक्यूट करके देख लीजिए। देखिए यहां पे केवल फाइल फोर डॉट txt फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसके अलावा एक और मेथड है जिसके थ्रू भी आप किसी सिंगल फाइल और डायरेक्टरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी टार अर्चिव से। अब मैं ये जो डायरेक्टरी है माई dir, इस डायरेक्टरी को केवल इस डायरेक्टरी को इस टार अर्चिव से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए कमांड होगा दूसरा मेथड हम यूज कर रहे हैं टार डबल हाइफन एक्सट्रैक्ट फिर डबल हाइफन फाइल इक्वल टू उस टार फाइल का नेम आपको लिखना है जिस फाइल से आप ये डायरेक्टरी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद उस डायरेक्टरी या फाइल का नेम आपको लिखना है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे डॉट स्लैश माई dir, ये पूरा पाथ जैसा पाथ यहाँ पे डिस्प्ले होगा वही पाथ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आप गलत लिखेंगे पाथ, अगर आप अलग लिखेंगे तो ये कमांड एरर शो करेगा, ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एंटर की प्रेस करके देखिए। तो देखिए ये डायरेक्टरी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ls-l कमांड एग्जीक्यूट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर माई dir डायरेक्टरी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार आप टार कमांड की सहायता से किसी सिंगल फाइल या किसी डायरेक्टरी को भी किसी टार अर्चिव से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए दो मेथड हमने यूज किए इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।